हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवी एंड वेलकम बैक टू शिवी जेडू स्टूडियो। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ, और इस क्वेश्चन में ये है कि हमें फाइंड आउट करना है हाउ मैनी नंबर्स इन ऑल कैन वी हैव। यहाँ पर जैसे हमें दे रखा है 3 डिजिट, तो हमें ये फाइंड करना है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनमें 3 डिजिट्स आते हैं। उसको फाइंड करने की मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ, क्योंकि हम उनको काउंट तो कर नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे होंगे और हमारा बहुत टाइम यूज़ होगा, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले हम 3 डिजिट वाला करते हैं कि 3 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या ट्रिक होती है, इसको फाइंड करने के लिए जो ट्रिक होती है ना, उसमें सबसे पहले तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर की शॉर्ट फॉर्म मैंने GN लिख दी है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट हमें फाइंड करना होता है। 3 डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है? जब भी आपको किसी भी डिजिट्स का, जैसे 3 डिजिट का, 5, 6, 7, 8 किसी का भी ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना होता है ना कि इस डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, तो उत्ते 9 लगा दीजिए। जैसे 3 डिजिट है तो 3 9 यहाँ पर आएंगे। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा 3 डिजिट का? 999, दैट मीन्स 999। उसके बाद हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। ग्रेटेस्ट फाइंड कर लिया आप, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट कितना होता है? 100। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 100। तो अब देखिए, हमने ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट फाइंड कर लिया है। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि 3 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं। 3 डिजिट के जितने भी नंबर्स होंगे ना, वो 100 से लेकर 999 तक होंगे, 100 to 999। तो अब इसको फाइंड करने की ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक ये, मतलब इसमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, ये मैं इतना लंबा नहीं लिख रही हूँ, सिंपली मैंने ग्रेटेस्ट नंबर लिख दिया, वो होगा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजिट। जैसे 5 डिजिट है तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आप अपने आप समझ लीजिए इस नंबर माइनस उसी उन्हीं डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर, यानी ग्रेटेस्ट नंबर 999 एंड स्मॉलेस्ट नंबर 100। तो ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना एंड देन 1 उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। ये तो ये ट्रिक हो गई, इससे हम फाइंड करते हैं। अब इससे चलिए हम इसको फाइंड करते हैं 3 डिजिट्स को। तो 999 ग्रेटेस्ट नंबर माइनस 100 स्मॉलेस्ट नंबर प्लस 1। सो 999 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 899 प्लस 1। 899 प्लस 1 कितना होता है, 900। तो हमारा आंसर यहाँ आ गया 900। 900 डिजिट्स हैं 100 से लेकर 999 की, यानी कि 3 डिजिट की 900 नंबर्स टोटल हैं। तो फ्रेंड्स, अभी फर्स्ट वाला तो मैंने आपको इसमें पूरा फॉर्मूला बता दिया, इसको अप्लाई करके दिखा दिया। अब एक और बार हम और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर सेकंड वाले पे ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो सेकंड वाले में 5 डिजिट्स के कितने नंबर्स होते हैं ये हमें फाइंड करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इज, मैंने आपको बताया था 59 लिखना है हमें, जितने भी डिजिट का है उतने 9 हमें लिखना है, 59। एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इज 10,000 इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। तो अब हमारे 5 डिजिट के जो नंबर्स होंगे वो किसके बीच में होंगे, 10,000 से लेकर 99,999 के बीच में। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, हमने ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर लिया, हमारे 5 डिजिट के जितने भी नंबर्स होंगे वो 10,000 से लेकर 99,999 के बीच में होंगे। तो अब हमने ये जो फॉर्मूला था हमारा, इसको अप्लाई करते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर प्लस 1। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है हमारा, ग्रेटेस्ट नंबर है 99,999 माइनस स्मॉलेस्ट नंबर 10,000 प्लस 1। तो 99,999 माइनस 10,000 कितना हुआ,
89,999 प्लस वन, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट तो हमने कर दिया, फिर प्लस वन भी हमें करना है, तो कितना आया? अब मैं जो भी आया वो यहाँ पर लिख रही हूँ, विच इज इक्वल्स टू 90,000. दैट मीन्स 90,000 हमारा आंसर है. अब फ्रेंड्स, अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया है और ये पूरी ट्रिक ढंग से ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ये समझ आ गया है, तो अब आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि अब आप सभी को करना है, और इसका आंसर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. तो क्वेश्चन क्या है, तो अब इसमें आपके लिए मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रही हूँ पी क्यू. प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, 8 digits का. जी, अब आपको जैसे मैंने यहाँ पर 3 digits का एंड 5 digits का फाइंड किया, आपको 8 digits का फाइंड करना है. प्रैक्टिस क्वेश्चन ये आपके लिए है, आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और हाँ, इसका आंसर देख लेना एंड डोंट चीट. पहले अपना आंसर निकालिए और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कीजिए. आई होप आपका आंसर सही हो. तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल शिवी जेडू स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस पाने के लिए. बाय.